जय हिंद। पॉलिटी में हम बात कर रहे थे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, और इससे पिछले सेशन में हमने ग्लोबल सिनेरियो और इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या पोजीशन है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे, एक तो लोकपाल को लाने के लिए क्या एफर्ट्स पुट इन किए गए, प्रोग्रेस कैसे चली है उसको देखेंगे, और दूसरा लोकायुक्त क्या होता है, लोकायुक्त का स्टेटस क्या है। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। अच्छा, चैप्टर में अगर आप देखोगे तो चैप्टर में बीच में बातचीत की गई है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 के बारे में, लेकिन इस एक्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में इन दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, शुरू करते हैं। लोकपाल नाम का इंस्टीट्यूशन, लोकायुक्त नाम का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इसकी बातचीत सबसे पहली बार की फर्स्ट एआरसी ने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसके हेड थे मोरारजी देसाई। फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया और कहा कि लोकपाल नाम का इंस्टीट्यूशन, लोकायुक्त नाम का इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाना चाहिए फॉर रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेज। सिटीजन्स को अगर किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट में कंप्लेन करनी है तो उस कंप्लेन की सुनवाई के लिए लोकपाल और लोकायुक्त नाम के इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी फर्स्ट एआरसी ने। एआरसी ने यह भी कहा कि स्वीडन में जो ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन चलता है, जिसके बारे में हमने बातचीत की थी पिछले सेशन में, और न्यूजीलैंड में जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन नाम का सिस्टम है, इनके लाइंस पे सेटअप किया जाएगा लोकपाल को, लोकायुक्त को। एआरसी ने काम भी बताया। लोकपाल का काम क्या है? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी सेक्रेटरीज हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटीज, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज, उनके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन है तो उस कंप्लेन की सुनवाई कौन करेगा? लोकपाल करेगा। और लोकायुक्त का काम क्या है? एक तो एआरसी ने ये रिकमेंड किया कि सेंटर के लेवल पे एक लोकायुक्त होगा और हर एक स्टेट के लेवल पे एक लोकायुक्त होगा। और काम क्या होगा इसका? जितने भी अदर स्पेसिफाइड हायर ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज को छोड़ के जितने भी अदर हायर ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कौन सुनेगा? लोकायुक्त सुनेगा। हालांकि एआरसी ने ये रिकमेंड किया कि जुडिशरी को लोकपाल एंड लोकायुक्त के परव्यू से बाहर रखने की ज़रूरत है, जैसा कि न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की जुडिशरी जो है वो भी पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। हालांकि स्वीडन में जो ओम्बड्समैन सिस्टम चलता है, स्वीडन की जुडिशरी इस ओम्बड्समैन सिस्टम के परव्यू में आती है। हमने पढ़ा था इसके बारे में पिछले सेशन में, लेकिन इस रिगार्ड में एआरसी ने रिकमेंडेशन ये दी कि हमें न्यूजीलैंड का रास्ता चूज करना चाहिए और जुडिशरी को लोकपाल एंड लोकायुक्त के परव्यू से बाहर रखना चाहिए। लोकपाल को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लोकपाल को। ये रिकमेंडेशन फर्स्ट एआरसी ने दी लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए। इसके अलावा भी कुछ रिकमेंडेशंस दी एआरसी ने। एआरसी ने कहा कि जो लोकपाल है, ये जो लोकायुक्त है, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इम्पार्शल होने चाहिए, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने वाले हो तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इम्पार्शल होने चाहिए। एआरसी ने यह भी रिकमेंडेशन दी कि लोकपाल और लोकायुक्त का जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, उनको प्राइवेटली कंडक्ट किया जाएगा और वो इनफॉर्मल होंगी, इन कैरेक्टर। लोकपाल और लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट जो है वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा तो इम्पार्शियलिटी एंश्योर करना बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एआरसी ने कहा कि जितना हो सके उतना कोशिश करो कि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो नॉन पॉलिटिकल हो। लोकपाल और लोकायुक्त का स्टेटस जो है वो कंट्री के हाईएस्ट जुडिशियल फंक्शनरीज के बराबर का होना चाहिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, उनके बराबर का इनका स्टेटस होना चाहिए। भाई काम भी तो बड़ा है, मिनिस्टर लेवल के इंसान को आप इन्वेस्टिगेट करने वाले हो तो आपका स्टेटस भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। एआरसी ने यह भी कहा कि जितने भी डिस्क्रिशनरी फील्ड के मैटर्स हैं, जैसे कोई इनजस्टिस का एक्ट हो गया, कोई करप्शन का केस है, कोई फेवरेटिज्म का केस है, ऐसे मैटर्स से भी डील कौन करेगा? लोकपाल करेगा, लोकायुक्त करेगा। एआरसी ने बड़ा कैटेगोरिकली रिकमेंड किया कि लोकपाल और लोकायुक्त की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें जुडिशियल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त की जो भी ड्यूटीज़ हैं, या लोकपाल और लोकायुक्त जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए उनको मैक्सिमम पावर मिलनी चाहिए। अगर बेसिक एक लाइन में बोलें तो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लोकपाल को चाहिए, लोकायुक्त को चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उनको डिनाई नहीं की जा सकती। और फाइनली एआरसी ने रिकमेंडेशन दी दैट द लोकपाल एंड लोकायुक्त शुड नॉट लुक फॉरवर्ड टू एनी बेनिफिट और पिक्यूनरी एडवांटेज फ्रॉम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। कि कल को हमें एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई पोजीशन दे देगी, कोई पोस्ट दे देगी, कोई एडवांटेज दे देगी, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होना चाहिए लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप हाईएस्ट लेवल के अथॉरिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने वाले हो, तो आपका इंडिपेंडेंस इंश्योर करना, इम्पार्शियलिटी इंश्योर करना, और आप किसी लालच में आके, किसी प्रेशर में आके फंक्शन ना करो, ये इंश्योर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो एआरसी ने ये सारी रिकमेंडेशंस दी, और जब एआरसी ने रिकमेंडेशंस दी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बार कोशिश करी, लगभग 10 बार वेरियस टाइम्स ऑफ बिल्स लाए गए इस लोकपाल एंड लोकायुक्त का एक्ट लाने के लिए, लेकिन 9 बार फेल हुए, 10वीं बार जाके ये बिल जो है वो एक्ट बना। सबसे पहली बार मई 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है वो लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए बिल लेकर आई लोकसभा में, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल लैप्स हो गया, बिल एक्ट नहीं बन पाया। अप्रैल 1971 में फिर से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई लोकपाल एंड लोकायुक्त को एक्ट बनाने के लिए, लेकिन फिर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल लैप्स हो गया, बिल एक्ट नहीं बन पाया। फिर जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट बिल लेकर आई, लेकिन सेम वही हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल एक्ट नहीं बन पाया। अगस्त 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाया जाए, लेकिन फिर से वही हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल एक्ट नहीं बन पाया, लैप्स हो गया। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए, लेकिन सहमति नहीं बन रही थी तो सरकार ने खुद ने ही इस बिल को विड्रॉ कर लिया। सितंबर 1996 में देवगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एक बार फिर से बिल लेकर आई, लेकिन फिर से वही हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल लैप्स हो गया, एक्ट नहीं बना। अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट एक बार फिर से बिल लेकर आई लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए, लेकिन फिर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल लैप्स हो गया, बिल एक्ट नहीं बना। अगस्त 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट फिर से बिल लेकर आई, लेकिन फिर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल लैप्स हो गया। अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बिल लेकर आती है लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए, लेकिन सहमति नहीं बनी तो इस बिल को सरकार ने खुद ही विड्रॉ कर लिया, और फिर कुछ चेंजेस के साथ में दिसंबर 2011 में एक बार फिर से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल लेकर आई, और ये बिल अल्टीमेटली बनता है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे अटेम्प्ट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं बिकॉज उतना रेलेवेंट नहीं है। पहला याद रख लो कि पहली कोशिश की मई 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, और लास्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ, एक्ट बना, वो लेकर आई मनमोहन सिंह गवर्नमेंट दिसंबर 2011 में। बीच वालों के लिए बड़ा सिंपल याद रखो कि वेरियस गवर्नमेंट्स ने कोशिश करी है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, बिल एक्ट नहीं बन पाया, बिल लैप्स हो गया। इनफैक्ट ये जो पिछले वाली दो स्लाइड्स हैं, इनमें भी मोटे मोटे तौर पर याद रखो कि फर्स्ट एआरसी ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, एक एक लाइन को रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब तक ये न्यूज़ में नहीं आएगा तब तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और जब न्यूज़ में भी आएगा तो एक्ट ऑफ 2013 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या जो चीज़ रेलिवेंट होगी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना पीछे जाने का तो बहुत कम सवाल है, यूपीएससी इतना पीछे जाके नहीं पूछेगा, बट फिर भी थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, बाई चांस पूछ ले, और दूसरा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है तो चीज़ें थोड़ा अगर हेड स्पेस में रहेंगी तो बेटर रहेंगी, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, फिर चैप्टर में बात की गई है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 के प्रोविजंस के बारे में, लेकिन इसको अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में, उससे पहले अपन देख लेते हैं लोकायुक्त के बारे में। ये जो 2013 का एक्ट है जिसके बारे में हमें बातचीत करनी है अगले सेशन में, इसमें बहुत डिटेल में बातचीत की गई है लोकपाल के बारे में,
लोकपाल का इंस्टीट्यूशन कैसे सेटअप किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस रहेंगे, उसकी बहुत डिटेल में बातचीत की गई है 2013 के एक्ट में। लेकिन लोकायुक्त के लिए 2013 का एक्ट बड़ा सिंपली ये कहता है कि लोकायुक्त नाम का इंस्टीट्यूशन स्टेट की गवर्नमेंट सेटअप करेगी अपने एक एक्ट के थ्रू, स्टेट की गवर्नमेंट एक्ट लेकर आएगी और उस एक्ट के थ्रू लोकायुक्त नाम के इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाएगा। लोकायुक्त के रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या रहेंगे उसकी डिटेल में बातचीत नहीं की गई है 2013 के एक्ट में, वो छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से लोकायुक्त के रिगार्डिंग प्रोविजंस लेकर आएगी और लोकायुक्त नाम के इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करेगी। इसका एक मतलब क्या है कि वेरियस स्टेट्स में जो लोकायुक्त नाम का इंस्टीट्यूशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी, उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और वो अपन आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन उससे पहले 2013 का एक्ट बातचीत करता है लोकायुक्त नाम के इंस्टीट्यूशन की, लेकिन ये जो लोकायुक्त नाम का इंस्टीट्यूशन है ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है हमारे कंट्री में। इसको सबसे पहली बार एस्टेब्लिश किया गया महाराष्ट्र में 1971 में। हालांकि लोकायुक्त नाम का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इसकी बातचीत उड़ीसा ने 1970 में ही कर दी थी, उड़ीसा ने 1970 में ही एक्ट पास कर दिया था, लेकिन एस्टेब्लिश सबसे पहली बार किसने किया, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया। कब किया, 1971 में किया। और दूसरा अपने को ये समझ में आता है कि वेरियस स्टेट्स में ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और वही लिखा हुआ है कि लोकायुक्त का जो स्ट्रक्चर है वो हर एक स्टेट में सेम नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सिर्फ लोकायुक्त के बारे में बातचीत करते हैं और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त की भी बातचीत की गई है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। यहां पे यूनिफॉर्मिटी है, कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने जुडिशियल क्वालिफिकेशंस बता दी हैं लोकायुक्त के लिए, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं बताई हैं। ज़्यादातर स्टेट्स ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो टर्म है उसको 5/65 फिक्स किया है, मतलब 5 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात हो रही है, सभी स्टेट्स ने नहीं किया, यूनिफॉर्मिटी यहाँ भी नहीं है। लोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन क्या होगा उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे कुछ स्टेट्स ने चीफ मिनिस्टर को भी लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में रखा है, कुछ ने नहीं रखा है। ज़्यादातर स्टेट्स ने मिनिस्टर्स और हायर लेवल के सिविल सर्वेंट्स को लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में इंक्लूड किया है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स ने, सभी ने नहीं, ज़्यादातर ने, यहाँ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में रखा है, कुछ ने नहीं भी रखा है। ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने लोकल बॉडीज़ को, कॉरपोरेशंस को, कंपनीज़ को और सोसाइटीज़ को लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में रखा है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स ने, सभी ने नहीं, यूनिफॉर्मिटी यहाँ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लोकायुक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर सकता है या तो जब वो कंप्लेन रिसीव करे या सुओ मोटो बेसिस पर खुद से भी, लेकिन यहाँ भी टर्म है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, सभी स्टेट्स में नहीं है, यूनिफॉर्मिटी यहाँ भी नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि लोकायुक्त जो है वो एलिगेशंस के केसेस, करप्शन के केसेस को इंक्वायर कर सकता है और ग्रीवेंसेस, माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस को भी इंक्वायर कर सकता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कहते हैं कि लोकायुक्त सिर्फ करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। लोकायुक्त जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, किसको सबमिट करता है, गवर्नर को सबमिट करता है, और गवर्नर इस रिपोर्ट को रखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। लोकायुक्त की जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी हैं, वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और इसके साथ आज का अपना सेशन खत्म हो गया। और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकायुक्त नाम का जो इंस्टीट्यूशन है इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछे उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेहद कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन फिर भी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी था ये टॉपिक पढ़ना। दो चीज़ें याद रखो लोकायुक्त के केस में, एक तो ये कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। दूसरा, सबसे पहली बार एस्टेब्लिश कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, 1971 में किया गया। एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो कि लोकायुक्त जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, किसको करते हैं, गवर्नर को करते हैं, और लोकायुक्त की जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ एडवाइजरी हैं, बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ये आज का सेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इसमें से, लेकिन हाँ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोकपाल को समझने के लिए, लोकायुक्त को समझने के लिए अच्छा खासा सेशन है। 15-20 मिनट लगेंगे, देखने में कुछ जाता नहीं है।
बट हाँ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट होगा, अगर कभी पूछेगा यूपीएससी क्वेश्चन तो एक्ट ऑफ 2013 से पूछेगा, या जो करंट में न्यूज़ में चीज है उसके बारे में पूछेगा इसके रिगार्डिंग। बहुत इजी सेशन था, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।